The 84th Annual Academy Awards. Merci beaucoup, I love you. फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर्स की तकरीब में फिल्म द आर्टिस्ट, बेहतरीन डायरेक्टर अदाकार, फिल्म, म्यूजिकल स्कोर, बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइन के अवार्ड्स हासिल करने में कामयाब हो गई। ऑस्कर्स का मेला पूरी आबोताब के साथ मुनक़िद हुआ। फिल्मी दुनिया के बड़े नाम इस तकरीब की रौनक बढ़ाने के लिए मौजूद थे। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेविंग फेस ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। यह ऑस्कर के लिए किसी भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री की तरफ से पहली नामजदगी थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 84 साल में पहली बार किसी भी पाकिस्तानी फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। So he supported me and Bill Abrams who gave me my first break at the age of 21 and Daniel who has been a pleasure to work with and Charmaine and Charmaine and Charmaine and to everyone in Pakistan who fights against the terrorism every single day. बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड माइकल हिजानोविशेस ने फिल्म द आर्टिस्ट के लिए हासिल किया। बेहतरीन अदाकार जॉन डी जार्डिन करार पाए। उन्हें फिल्म द आर्टिस्ट पे ये अवार्ड मिला। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मेरिल स्ट्रीप को फिल्म द आयरन लेडी के लिए दिया गया। साल की बेहतरीन फिल्म भी द आर्टिस्ट ही करार पाई। 84वें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ह्यूगो ने बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड जीत लिए। ईरानी फिल्म अ सेपरेशन को गैर मुल्की जबान की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। अ सेपरेशन ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली पहली ईरानी फिल्म है जिसके डायरेक्टर असगर फरहादी है। ऑक्टेविया स्पेंसर को फिल्म द हेल्प में बेहतरीन माउन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। Oh God, and thank you to WME and Viewpoint LA. I'm sorry guys, I love you, thank you. जबकि दी ह्यूगो के लिए बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड दिया गया। क्रिस्टोफर प्लमर को बेहतरीन मावन अदाकार का अवार्ड मिला। You're only 2 years older than me, darling. Where have you been all my life? और फिल्म रेंगो के लिए बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया। वाज़े रहे कि अदाकारा मेरिल स्ट्रीप ने तीसरी बार ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है।